हे यू ऑल गोजियर्स वेलकम टू माई चैनल मैं होप प्रयाग होप यू ऑल रोइंग वेल सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ करवा चौथ लुक शेयर करने वाली हूँ इसे आप इजीली अपनी सिंपल सी साड़ी को क्रॉप टॉप के साथ या ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक कर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके पास की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ऐसे फैशन वीडियोस देखने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं so, सो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी को थ्री डिफरेंट स्टाइल में ड्रैप करके दिखाया है ऑल्सो अगर आप किसी शर्क स्टाइल के लहंगे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी सिंपल सी साड़ी और नेट के दुपट्टे से भी शर्क स्टाइल का लहंगा क्रिएट कर सकते हैं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ड्रैपिंग सो so, यहाँ पे मैंने एक लाइट वेट मार्बल शिफॉन साड़ी यूज़ की है जिस पर थोड़ा सा वर्क किया हुआ है लाइट बहुत ही मैनेजेबल है अगर आप हैवी साड़ी प्रफ़र नहीं करते तो इस तरह की साड़ी बहुत अच्छी चॉइस होती है ऐसे मैं स्कर्ट पर ड्रिप करने वाली हूँ एंड ऊपर मैंने क्रॉप टॉप पहना हुआ है बाद में मैं ब्लाउज पर भी इसे स्टाइल करूंगी आप जैसे भी इसे स्टाइल करना कर सकते हैं तो फ्रंट साइड में ऐसे आपको ड्रैपिंग यहां से स्टार्ट करनी है पूरा एक राउंड आप टक कर लेंगे बैक साइड में चाहे तो एक प्लीट दे सकते हैं अगर साड़ी आपकी अच्छी लेंथ है साड़ी की तो आप पीछे भी दो तीन प्लीट्स दे सकते हैं बिकॉज हम लहंगा स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं बट मेरी साड़ी थोड़ी सी छोटी है तो मैं यहाँ पर आ, सिंगल प्लीट ले रही हूँ बैक साइड में एंड फ्रंट साइड में मैं यहाँ पर फोर प्लीट्स बना रही हूँ प्लीट्स बनाना बहुत ही ईजी है आप देखेंगे इस तरह से साड़ी को होल्ड करते हुए आपको टक करते जाना है एंड फ्लोर में चेक करते जाना है कि फ्लोर पर पूरा इक्वल लेंथ रहे आपकी सारी प्लीट्स की तो वो बहुत अच्छा लहंगा

तो बहुत अच्छे से पल्ला आपका सेट रहेगा कई बार क्या होता है फ्रंट साइड में हमारी प्लीट अरेंज नहीं रहती तो इस तरह से आप पास पास अरेंज करके भी यहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं देन बैक साइड से पल्लू को इस तरह से अपने हैंड्स पे भी ले सकते हैं सेकेंड स्टाइल में मैं इसी आ, पिन लगे हुए पल्लू को ही यहाँ पर टक करूंगी अपने राइट right साइड के वेस्ट में तो इस तरह से भी आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टाइल के लिए जो राइट वेस्ट में हमने पल्लू को टक किया था उसे हम निकाल लेंगे और यहाँ पर जो सेफ्टी पिन से सिक्योर किया है उसे भी हम खोल लेंगे हम पल्लू को यहाँ पर पूरा खोलने के बाद अपने राइट शोल्डर पे बैक साइड से डालेंगे और इसे भी सेफ्टी पिन से यहाँ पर बैक साइड में आप सिक्योर कर लीजिए एंड देन इसकी जो अपर बॉर्डर है उसको आपको इस तरह से डायग्नली लेना है और अपने लेफ्ट साइड के पल्लू पर नीचे इस तरह से सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं एंड ऊपर से इसे कवर करके यहाँ पर सेफ्टी पिन से इसे अच्छे से सिक्योर कर लीजिए अब आपकी साड़ी की बॉर्डर अगर हैवी है तो आप इस तरह से डायगनली भी इसे वी शेप में आप यहाँ पर इसे सिक्योर कर सकते हैं मेरा यहाँ पर लाइट वेट है बॉर्डर तो मैं इसे यहाँ सिक्योर नहीं कर रही हूँ ये फ्री फॉल में भी बहुत अच्छी लगेगी तो इस तरह से देखिए इसका फ्रंट लुक आएगा और ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा आप ज़रूर ट्राई करिएगा देखने में बहुत सुंदर लगता है ये स्टाइल नेक्स्ट स्टाइल में मैंने पूरी साड़ी को लहंगे की तरह प्लीट्स बना करके पहन लिया है एंड टॉप में मैंने यहाँ पर एक दुपट्टा यूज़ किया है आप सिंपल कोई भी अपनी साड़ी से मैचिंग दुपट्टा ले सकते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट में ले सकते हैं जो आपकी चॉइस हो और उस इस तरह से सेफ्टी से पिन से फ्रंट साइड में सिक्योर कर लेंगे तो ये पूरा श्रग स्टाइल आपका बन जाएगा एंड ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है आप अच्छे से कॉम्बिनेशन बना करके यूज़ कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग